पूर्वी लद्दाख में LAC पर लंबे समय से चीन और भारत के बीच जारी तनातनी के बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है, भारतीय सेना ने चीन की PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी का पूरी बहादुरी से सामना किया और उन्हें वापस जाने को मजबूर किया। राजनाथ सिंह ने एक बार फिर LAC पर तनाव के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया और भारतीय सैनिकों के पराक्रम और साहस की प्रशंसा की। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी सेना ने इस साल जो हासिल किया उस पर देश की आने वाली पीढ़ियों को गर्व होगा। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्र की आने वाली पीढ़ियों को इस बात पर गर्व होगा कि इस साल हमारी सेनाएं क्या हासिल कर पाई हैं। सोमवार को उद्योग चैम्बर फिक्की की वार्षिक आम बैठक में राजनाथ सिंह ने माना कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अब भी बड़ी संख्या में सैनिकों का जमावड़ा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हिमालय की हमारी सीमाओं पर बिना किसी उकसावे की आक्रामकता दिखाती है कि दुनिया कैसे बदल रही है, मौजूदा समझौतों को कैसे चुनौती दी जा रही है। हिंद प्रशांत के समुद्री इलाके में दिखाई जा रही आक्रामकता को लेकर भी राजनाथ ने चीन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि केवल हिमालय क्षेत्र में ही नहीं बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी चीन की तरफ से आक्रामकता दिखाई जा रही है। चीनी नहीं, राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि हम सीमा पार आतंकवाद के शिकार हुए हैं, फिर भी अकेले लड़ रहे हैं। पहले हमारा समर्थन करने वाला कोई नहीं था, लेकिन बाद में लोगों ने समझा कि हम पाकिस्तान के आतंकवाद के बारे में सही थे। चीन और पाकिस्तान की तरफ से मिल रही चुनौतियों को देखते हुए राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने को महत्वपूर्ण माना। रक्षा क्षेत्र के लिए विदेशी निवेश की सीमा 74% तक किए जाने को अहम करार देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि इससे घरेलू कंपनियों को नई तकनीक मिलेगी और दुनिया में मौजूद बेहतर विकल्पों के जरिए रक्षा क्षेत्र में विकास का अवसर मिलेगा। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत की सेना और सरकार चीन को हर मोर्चे पर शिकस्त दे रही है। चीनी सेना को भारतीय सेना ने गलवान में भी कड़ा सबक सिखाया है और मोदी सरकार कूटनीतिक क्षेत्र में चीनी सरकार को बेनकाब करने में सफल रही है। लद्दाख में लंबे समय से जारी चीनी गतिरोध में भारत की परीक्षा ली जा रही थी। उसने भारत का कड़ा रुख देखकर ये परीक्षा लेना शुरू की कि आखिर भारत उसके सामने कब तक टिकता है। कुल मिलाकर कहें तो अब साफ हो गया है कि अगर चीन ने LAC पर जरा सी भी गड़बड़ी की तो उसको गलवान से भी बड़ी घटना झेलनी पड़ सकती है और फिर चीन को उसे थामना मुश्किल हो जाएगा।